उमेश पाल हत्याकांड में लगभग सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन उमेश पाल पर बम बरसाने वाले गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता के बेटे असद की एनकाउंटर में मौत हो गई, वहीं उसका पति और माफिया अतीक अहमद और देवर अशरफ प्रयागराज में गोलीबारी में मारे गए। पुलिस को उम्मीद था कि शाइस्ता इनमें से किसी के अंतिम संस्कार में जाएगी, लेकिन शाइस्ता का कोई पता नहीं लग पाया। उमेश पाल केस में नाम आने के बाद से शाइस्ता और बमबाज गुड्डू फरार चल रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गुड्डू मुस्लिम की 10 या 12 साल पहले अतीक ने जमानत कराई थी, जिसके बाद गुड्डू अतीक का वफादार हो गया था। लेकिन अब जो कारण निकल कर सामने आया है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल गुड्डू के अतीक के साथ आने की वजह शाइस्ता ही थी। शाइस्ता को पसंद करता था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू बमबास के बारे में चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है। गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। ये बात खुद गुड्डू के सौतेले बेटे आबिद ने पुलिस को पूछताछ में बताई है, लेकिन ये एक तरफा था। शाइस्ता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो गुड्डू ने इलाहाबाद शहर छोड़ दिया था और फिर सालों तक गायब रहा। चांदनी के साथ मारपीट क्यों करता था गुड्डू मुस्लिम? साल 2012 में गुड्डू जब इलाहाबाद लौटा तो चकिया के चक निर्तुल में चांदनी नाम की महिला के साथ रहने लगा। अतीक ने गुड्डू को चक निर्तुल वाली जमीन दिलाई और उसी पर 3 मंजिला मकान बनवा दिया। सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम का शाइस्ता के घर आना जाना गुड्डू की गर्लफ्रेंड चांदनी को पसंद नहीं था। बार बार दोनों में बहस होती और कई बार तो गुड्डू ने इसी मामले पर चांदनी के साथ मारपीट भी की और दोनों काफी दिनों तक अलग भी रहे। इसी कारण चांदनी का बेटा आबिद भी गुड्डू को पसंद नहीं करता था। आबिद गुड्डू से इतना नाराज था कि उसकी हत्या कर देना चाहता था। क्या शाइस्ता के साथ है गुड्डू बमबाज? जब अतीक 2017 में जेल गया तो गुड्डू अब बिजनेस रंगदारी वसूलने में शाइस्ता की मदद करने लगा। उमेश पाल हत्याकांड के समय गुड्डू मुस्लिम को शाइस्ता के करीब आने का मौका मिला और दोनों एक साथ ही फरार हो गए। पुलिस को दोनों के साथ में होने के पुख्ता सबूत भी मिले। शाइस्ता ने गुड्डू को फरार कराने में मदद करने वाले शख्स को फोन करके गुड्डू की लोकेशन मांगी और दोनों मेरठ में मिले और आगे निकल गए। इसके बाद जब भी दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई, पुलिस ने पाया कि दोनों साथ साथ ही हैं और मौजूदा समय में भी दोनों साथ हैं। लगातार दोनों की तलाशी की जा रही है। पुलिस ने चकिया, कसारी, मसारी, दामोपुर, हटवा में शाइस्ता के कई रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। वहीं ये बात भी सामने आई है कि दोनों को पैसे की दिक्कत पेश आ रही है, जिसके लिए शाइस्ता अपने करीबियों को फोन कर सकती है। पुलिस अब कोई लापरवाही नहीं करना चाहती और बारीकी से नजर रख रही है ताकि दोनों को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके।